तो दोस्तों फाइनली हमने अमेजोन से ऑर्डर कर लिए कुकवेल का न्यूट्री ब्लेंडर एंड आई थिंक इन दिस बजट इट वॉज बेस्ट। इसके साथ मुझे मिले एक साल का वारंटी कार्ड। फिर बॉक्स के अंदर डबल बॉक्स पैकिंग थी जिसमें हमारे एक में जार्स थे और एक में हमारा ग्राइंडर था। फिर हमें एक डिटेल्ड रेसिपी बुक भी इसमें साथ में मिलती है। सो लेट्स अनबॉक्स इट और लास्ट में हम इसको ट्राई एंड टेस्ट भी करेंगे कि कितना ये वर्थ बाइंग है और कितनी एफिशिएंटली ये वर्क करता है। उसके लिए हम इसमें नारियल को भी पीस कर देखेंगे, दूसरा हम इसमें अनार के छिलकों को भी पीस के देखेंगे जो बहुत ही हार्ड होता है, और हम ऑरेंज पील को भी ट्राई करेंगे। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। साथ में हमें मिला ये 6 मंथ्स का एक्सटेंडेड वारंटी कार्ड। तो अब हम बात करते हैं इसकी कॉर्ड लेंथ की। जो इसकी तार की लंबाई है वो लगभग 4.5 फीट की है, जो बहुत ही अच्छी है। तो दोस्तों ये हमारा टोटल सामान जो बॉक्स में से निकला है। तो सबसे पहले बात करते हैं 500 ml का जो ये जार आया है साथ में। दूसरा ये हमारा छोटे दो जार्स हैं जो 300 ml के हैं दोनों। अब साथ में हमें इसके मिलते हैं दो टम्बलर्स जिसमें हम हमारा शेक्स वगैरह बहुत इजीली कैरी कर सकते हैं। तो इन दोनों टम्बलर्स की क्वांटिटी भी हमारी 500 ml की है। साथ में हमें इसके मिली है दो कवरिंग लिड्स जिसको हम इजीली जब हम पीसने के बाद इसको हम लोग कवर करके रख सकते हैं सामान को। साथ में हमें ये मिली एक स्प्रिंकलर लिड कि अगर हम लोग कोई मसाला वगैरह पीसते हैं हम इसको स्प्रिंकल कर सकते हैं। और ये जो लिड है हमारे रिंग जैसी, ये बहुत ही यूज़फुल है। जैसे हम लोग बाहर जा रहे हैं और हमें शेक वगैरह कैरी करना है तो हमने इसको टम्बलर पे लगा दिया तो ये आप साइड में क्या है आपका शेक वगैरह कुछ भी फंसेगा नहीं रिंग में और बहुत ईजी होगा आपको साफ़ करना। दोस्तों अब हम बात करते हैं तीनों ब्लेड्स की। सबसे पहले हमारा ये वेट ग्राइंडिंग ब्लेड जो हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होगा स्मूदीज में, चटनीज में, प्यूरी बनाने में और शेक्स वगैरह में। दूसरा ये ड्राई ग्राइंडिंग ब्लेड जो हमारा यूज़ होगा मसाले पीसने में, ड्राई फ्रूट पीसने में या दालें वगैरह पीसने में। जितना भी हमारा ड्राई सामान है वो इसी ब्लेड से पीसेगा। तीसरा है हमारा फ्रोथ ब्लेड। ये ब्लेड जो है मुझे कहीं पे भी देखने को नहीं मिला, ये कुकवेल में एक्सक्लूसिव मिला है, जो बेसिकली हमारा कॉफ़ी बनाने में या फिर शेक्स वगैरह को क्रीमी करने में यूज़ होगा। दोस्तों सबसे अच्छा है इसमें बटन सिस्टम जिसके द्वारा हम लोग ऑन ऑफ व्हिप कर सकते हैं, बट वंडर शेप में ये फीचर मिसिंग था। इसको ऑन करने के दो तरीके हैं। पहले हमारा पुश मोड, मिक्सी लगाई और हम ऊपर से प्रेस करेंगे जस्ट, और दूसरा हमारा ये रोटेरी मोड। तो दोस्तों फाइनली अब हम इसमें नारियल को पीस के देखते हैं। नारियल पीसते हो आप एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, जब भी आप नारियल पीसें इसमें थोड़ा थोड़ा पानी को ऐड करें जिससे आपका नारियल बहुत अच्छे से पीसेगा। वेट ब्लेड को हम यूज़ करेंगे नारियल को पीसने के लिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितना अच्छे से इसने पीसा, बहुत फाइन है, बहुत स्मूथ टेक्सचर आया इसका। अभी हम इसमें कुछ और चीज़ें पीस के ट्राई करते हैं। इसमें हमारा संतरे के छिलके हैं, गुलाब की पत्तियां हैं और तीसरा ये हमारा अनार के छिलके जो बहुत ही हार्ड होते हैं। देखते हैं अनार के छिलके पीस पाता है या नहीं पीस पाता, लेट्स सी। दोस्तों अनार के छिलकों में थोड़ी दिक्कत आ रही थी, इसका छिलका बार बार ब्लेड्स में फंस रहा था तो अनार के छिलके तो इसमें नहीं पीस पाए। थोड़ा छोटे साइज़ के हो गए हैं बट एक फ़ाइन पाउडर में ये नहीं कन्वर्ट हो पाए, इसके लिए मैंने फिर हमारी सुजाता की मिक्सी ही यूज़ की। बाकी आप देख सकते हैं ऑरेंज पील पाउडर बहुत अच्छे से पीस है, दूसरा हमारा ये गुलाब का पाउडर भी बहुत अच्छे से पीस है, बट ये हमारा जो अनार का पाउडर है मैंने इसमें नहीं पीसा, ये मैंने हमारी सुजाता की मिक्सी में पीसा है। इसका अमेजोन लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, अगर आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। होप सो आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।